इंदौर बुधनी रेलवे प्रोजेक्ट का सपना अब साकार होने वाला है। इंदौर बुधनी रेलवे प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य सरकार काफी फोकस कर रही है, जिसके लिए इंदौर से बुधनी तक बिछाई जाने वाली नई रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें निजी और सरकारी जमीन अधिग्रहण किया जाना था, जिसमें सरकारी जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मार्च में निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इंदौर बुधनी रेलवे प्रोजेक्ट 198 किलोमीटर लंबी रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसकी अनुमानित लागत 750 करोड़ रुपए है। इस रेलवे प्रोजेक्ट से इंदौर के पिछड़े क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं मिलेगी। इससे पहले भी इंदौर में और भी बहुत सी रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें इंदौर की रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, जिसमें इंदौर मनमाड़ इंदौर जबलपुर रेलवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन मध्य प्रदेश के 3 जिले इंदौर देवास और सीहोर से होकर गुजरेगी, जिसमें इंदौर में 20 किलोमीटर देवास में 112 किलोमीटर और सीहोर में 66 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही इस रेलवे लाइन पर 2 सुरंगें भी बनाई जाएगी, जिसमें पहली सुरंग 9 किलोमीटर लंबी और दूसरी सुरंग करीब 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। वैसे तो अभी इस रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है, जिसे अगले साल के मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा। इस लाइन के बिछने से यहाँ से व्यापार और अन्य सुविधाओं का इजाफा होगा। इस रेलवे लाइन से खातेगांव कन्नौज हरदा भैरुंदा क्षेत्र की बहुत फायदा होगा। इस क्षेत्र के लोगों को इंदौर भोपाल जबलपुर और नागपुर जाना आसान होगा।